खबर करेंगे भीलवाड़ा से, जहां पर भीलवाड़ा में घुसखोर हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है। एसीबी की तरफ से हेड कांस्टेबल को दलाल समेत ट्रैप किया गया है। 15,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप करने की ये सूचना बिजौलिया थाने में तैनात हेड कांस्टेबल। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर भीलवाड़ा में जहां पर घुसखोर हेड कांस्टेबल को ट्रैप की कार्रवाई की गई है। एसीबी की तरफ से हेड कांस्टेबल को दलाल समेत ट्रैप किया गया है। 15,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप करने की ये सूचना है। बिजौलिया थाने में तैनात है हेड कांस्टेबल। बिजौलिया थाने में हेड कांस्टेबल तैनात है। 15,000 रिश्वत लेते हुए यह ट्रैप किया गया है। दिलशाद खान जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दिलशाद, किस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई? बिल्कुल, सीबी की टीम ने कोविड लॉकडाउन के बाद ये पहली बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पिछले काफी समय से भीलवाड़ा एसीबी की टीम जो है वो ठंडी पड़ी थी, और उसने आज एक बड़ी कार्रवाई जो है 15,000 की रिश्वत लेते हैं कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है दलाल के साथ, जो कि बिजौलिया थाने में तैनात था। फिलहाल ये सामने नहीं आ पाया है कि उसने ये रिश्वत किस एवज में ली थी। फिलहाल एसीबी की टीम जो है वो पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में जुटी हुई है। कुछ देर में ये स्थिति भी निकलकर सामने आ जाएगी कि उसने ये रिश्वत की राशि जो है वो किस एवज में ली थी। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई जो है मौके पर जारी है। जी, एसीबी की तरफ से क्या कुछ जो है अभी तक इस कार्रवाई में बरामद किया गया है, पूछताछ में क्या कुछ सामने आ रहा है, कोई जानकारी अभी तक? प्रारंभिक तौर पर जो बात निकलकर सामने आई है वो यही है कि वो दलाल के जरिए किसी मामले में सेटलमेंट करने की एवज में जो है 15,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। दलाल जयंत नाम उसका बताया जा रहा है। कांस्टेबल जो है मेक सिंह भरतपुर का रहने वाला है, उसे ट्रैप किया गया है। दोनों को एक साथ गिरफ्तार किया गया है फिलहाल, और मौके पर कार्रवाई जारी है। या इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से एसीबी के पास जो है जानकारी पहुंची थी, क्या कुछ जो है पूरे मामले को लेकर अभी तक जानकारी है? स्पष्ट रूप से इस मामले की जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर एसीबी की कार्रवाई जो है वो जारी है। एसीबी के अधिकारियों का यह कहना है कि दस्तावेजी कार्रवाई पूर्ण होने के बाद में इसकी स्पष्ट जानकारी जो है वो मीडिया से साझा की जाएगी। फिलहाल प्रारंभिक रूप में जो जानकारी आई है वो यही कि 15,000 रुपए की रिश्वत और दलाल के साथ में कांस्टेबल ट्रिप हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।